रिलायंस जियो ने कुछ दिन पहले अपने रिचार्ज का प्लान बढ़ा दिया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने जियो छोड़ दिया है। दूसरी तिमाही में लगभग 1.9 करोड़ लोगों ने जियो छोड़ा। या अब ये सवाल उठता है कि क्या ये कंपनी के लिए कोई बड़ी समस्या है? इसका जवाब नहीं है। जब भी कोई कंपनी अपने दाम बढ़ाती है तो बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, ये आम बात है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जियो अभी भी भारत में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जुलाई में मोबाइल टैरिफ बढ़ने के बाद भी जियो के 5G यूजर्स की संख्या 130 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन हो गई है। इससे जियो का बाजार में पकड़ और मजबूत हुई है। ARPU यानी कि RPU भी 181.7 से बढ़कर 195.1 हो गया है, लेकिन जियो के कुल यूजर्स की संख्या कम हो गई है। जियो का कहना है कि वह अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा 5G नेटवर्क देना चाहता है। कुछ समय पहले उन्होंने दाम बढ़ाए थे जिससे कुछ यूजर्स ने जियो छोड़ दिया, लेकिन जियो का कहना है कि वे 5G नेटवर्क को और मजबूत बनाएंगे। जियो 5WA सेवा का भी विस्तार कर रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा घरों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। इससे जियो भारत में 5G के मामले में सबसे आगे रहेगा। जियो ने यह भी कहा कि 1.9 करोड़ यूजर्स कम होने से उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा हो सकता है।